बहुत लोग, हम एक वीडियो बनाए थे उसका व्यू तो बहुत गया, लेकिन बनाए थे कि सैलरी पर एएलपी का सैलरी कितना मिलता है। तो सैलरी वर्ग के हिसाब से मिलता है। जैसे आप नया में जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 32 से 34 हज़ार रुपया मिलेगा, और जैसे ही इंडिपेंडेंट मतलब ज्वाइन हो जाइएगा तब आपका वेतन 40 हज़ार रुपया हो जाएगा। जब काम करने लगेगा, किलोमीटर मिलने लगेगा, डीएम मिलने लगेगा, चारा मिलने लगेगा, तब आपका 40 से 42 हज़ार हो जाएगा। जब ट्रेनिंग में रहिएगा तो 32 से 34 हज़ार रुपया मिलेगा। उसके बाद जैसे 2 साल के बाद आप मेल में जाइएगा तब आपका वेतन 70 से 75 हज़ार रुपया मिलेगा। और ये मैट्रिक और आईटीआई करके मतलब इतना रुपया कोई भी पोस्ट पर आप नहीं पा सकते हैं जितना कि आप एएलपी में मिलता है। इतना वेतन कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके कहीं भी पता करिए, कोई भी पोस्ट में एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, आपको इतना पैसा कहीं नहीं देगा। आप मैट्रिक पोस्ट का लेवल का जॉब कीजिएगा, आप चाहिएगा कि हमको पैसा मिल जाए, तो सिर्फ ड्राइवर में ही है आपको मैट्रिक पोस्ट का इतना पैसा, बाकी अदर पोस्ट उसमें आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। अब बहुत लोग का ड्रीम रहता है कि हम बने, तो बनिए। है थोड़ा सा मेहनत है, रात दिन ड्यूटी करना पड़ेगा, और कॉल तो कभी भी होता है, रात को दिन को जब भी, लेकिन कॉल 2 घंटा पहले देगा ताकि आप रेडी उडी तैयारी कर सके, खाना ले सके, सब मेहनत है। आप आना चाहते हैं तो इसके लिए आईटीआई कीजिए या डिप्लोमा कीजिए। हाँ, लेकिन डिप्लोमा आईटीआई करने से पहले आप लोग आई टेस्ट, आँख का मेडिकल टेस्ट सरकारी अस्पताल में होता है, कलर विजन जांच, ये सब देख लीजिएगा, दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष, ये सब पढ़ने वाला जो आता है सब देख लीजिएगा। जब आपका मेडिकल फिट रहेगा तभी आप एडमिशन लीजिएगा आईटीआई या डिप्लोमा में, नहीं तो आप दूसरा अथी का तैयारी कीजिए। और बहुत सा है कंपटीशन जिसमें आँख का कोई अथी नहीं है। और देखिए अपना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।